नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है और इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है और एडमिशन के बाद नवोदय विद्यालय के द्वारा कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में कराना चाह रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी खास रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय शिक्षण परियोजना है। नवोदय विद्यालय की सहायता से गरीब व ग्रामीण परिवार के विद्यार्थी भी शहरी क्षेत्र एवं अच्छे परिवारों के विद्यार्थियों की भांति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से आगे बढ़कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय का निर्माण किया गया है और इस नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 के अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब यह जान लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है। फॉर्म भरने के साथ साथ नवोदय विद्यालय द्वारा एक प्रवेश परीक्षा यानी कि एक चयन परीक्षा ली जाती है और प्रति वर्ष लाखों की संख्या में यह छात्र छात्राएं नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रवेश परीक्षा देते हैं और जो छात्र छात्राएं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हीं छात्र को नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है और रिजल्ट निकलते ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और रिजल्ट निकलने के बाद अगर बच्चा नवोदय विद्यालय की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एलिजिबल होता है तो ही उसका एडमिशन हो पाता है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र, JNV की शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र और NOC आदि। तो यह सभी दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं। चलिए अब यह जान लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा बच्चों को क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय छात्रों को निःशुल्क भोजन एवं रहने की सुविधा, निःशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और विद्यार्थियों के यात्रा का खर्चा भी प्रदान करता है। लेकिन कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों से 600 रुपये प्रति माह की दर से विद्यालय विकास निधि के रूप में न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। लेकिन यहाँ भी कुछ कैटेगरीज हैं जिन बच्चों से यह शुल्क नहीं लिया जाता, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी, लड़कियाँ और गरीब रेखा से नीचे के परिवार के छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया जाता। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से विद्यालय विकास निधि के रूप में 1500 रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से शुल्क लिया जाता है। और अगर बात करें अन्य सुविधाओं की, तो बच्चों को दैनिक प्रयोग की सामग्री जैसे नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथपेस्ट, बालों का तेल, कपड़ों की धुलाई एवं इस्त्री जैसी सामान्य वस्तुएं भी प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा बच्चे के चिकित्सा का खर्चा भी जवाहर नवोदय विद्यालय ही उठाता है। यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान ना देते हुए बल्कि उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।